अजित पवार ने मुंबई में जन सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें वो मुंबई के अनुशक्ति नगर में आए थे। एनसीपी लीडर नवाब मलिक उनके साथ स्टेज पर दिखाई दिए, जिसके बाद महाराष्ट्र में कई तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। इन चर्चाओं पर बात करने के लिए नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, जो कि आने वाले चुनाव में अनुशक्ति नगर की उम्मीदवार हो सकती हैं और नवनिर्वाचित प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की, आपसे जानना चाहेंगे कि कल एक सभा हुई, जी उस सभा में नवाब मलिक अजित पवार के साथ दिखे। सवाल इसलिए उपस्थित किए जा रहे हैं कि जब नवाब मलिक जेल गए थे ईडी के केस में, उसके बाद वो वापस बाहर आए थे, तो बीजेपी ने, खासकर देवेंद्र फडणवीस ने, अपोज किया था कि वो महायुति में ना आए या फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के साथ नहीं रहे। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से हमारी पार्टी रही है, हम उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की है और ना ही हम कोई सरकार के, महायुति के सरकार के साथ जुड़े। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, अजीत दादा के साथ। अनुशक्ति नगर में आपको एक्टिव होते हुए देख रहे हैं, तो क्या आने वाला चुनाव आप लड़ने वाली हैं और एनसीपी के उम्मीदवार रहेंगी आप? हमने इधर हमेशा से काम, जब से पिताजी पहली बार चुन के आए थे तब से इधर काम कंटिन्यू किया था मेरे पिताजी ने। और उसके बाद जब वो मंत्री बने तो उनके साथों साथ मैं भी लग गई थी और इस एरिया का काम संभालने लगी थी। उनके गैर मौजूदगी में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और तभी मैंने इस, बोलते ना, कार्य क्षेत्र का पूरी जिम्मेदारी निभाई। और बोलने का अर्थ यही है कि हमने काम किया है और निश्चित रूप से हम इधर से लड़ेंगे। लेकिन जैसे कि देख सकते हैं, कल भी आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भूमिका उनकी नवाब मलिक को लेकर पहले थी वो अभी भी है, यानी कि आप लोग भले ही युति में, महायुति में चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन शायद आपको शिवसेना या बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इसे कैसे देखते हैं? हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ, और आगे कौन हमारा साथ देगा कौन नहीं देगा वो जब आगे इलेक्शन डिक्लेयर्स होते हैं और युति फॉर्मेशन का या सीट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तब फाइनल होएगा, तब क्लैरिटी आएगी। अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना या उसके बारे में कोई कमेंट करना। लेकिन आप और नवाब मलिक महायुति में हैं, एनसीपी में हैं, ये कहे तो गलत नहीं होगा। अभी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो हमेशा से जो पक्ष में थे वही पक्ष में हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जिसमें नवाब मलिक मंत्री थे, तो आप कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी में आप लोग नहीं हैं या फिर एनसीपी शरद पवार से आप लोगों का कोई लेने देना? अभी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के साथ हैं। साथ ही में अगर लोकसभा चुनाव का पैटर्न अगर आप देखें, तो ऐसा माना जा रहा है कि माइनॉरिटी वोट जो हैं वो महायुति को बिल्कुल नहीं मिले, एमडीए को मिले हैं। कहीं ना कहीं वो पैटर्न फिर से अनुशक्ति नगर में दोहराया जा सकता है। 20,000 की लीड अनिल देसाई को अनुशक्ति नगर से सिर्फ आप कह सकते हैं मिली थी, तो कितना डिफिकल्ट चुनाव आप देखते हैं अपने लिए? जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हम पूरी उम्मीद करते हैं इस बार भी हमें साथ देगी और हमें जीत के मुकाम तक लेके जाएगी। क्योंकि महायुति में बीजेपी भी है, मुस्लिम समाज के लोग अनुशक्ति नगर के आपको वोट करेंगे, ऐसा लगता है आपको? काम कराना होता है और काम के लिए लोग जो है, इधर के लोकल लोग जो है, वो नवाब भाई का चेहरा देखते हैं और उनके दुख तकलीफ उनके पास लेके आते हैं। और जब जब वो तकलीफ लेके आते हैं तब तक उस तकलीफ का आगे सोल्यूशन निकालना वो मेरे पिताजी हमेशा करते हैं। उनके गैर मौजूदगी में, उनके अनुपस्थिति में मैंने वो काम किया। लोगों के अंदर एक विश्वास जुड़ा हुआ है हमारे साथ, इंडिविजुअल के हिसाब से वो विश्वास उनका हमेशा से रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कहीं ना कहीं बयान जो सामने आ रहे हैं, कई बयान हैं, लेकिन संजय राउत ने ऐसा कहा है कि जिस तरह से अभी आप कह सकते हैं अजीत पवार के साथ नवाब मलिक दिख रहे हैं, या तो बीजेपी ने जो पहले आरोप किए थे वो वापस ले, या फिर जो लेटर देवेंद्र फडणवीस ने दिया था महायुति में नवाब मलिक का अपोज करते हुए वो वापस ले, इसको कैसे देखते हैं? संजय राउत जी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज जो उन्होंने बोला है मैं उस पर कमेंट करना करने के लिए बहुत छोटी हूँ और बहुत न्यू है वो मेरे लिए कमेंट करने के लिए उनके बारे में, लेकिन ये बात सही है, बोलते एकदम सत्य के तौर पे मैं बोलना चाहूँगी कि हम बेगुनाह है और ये मैटर पूरा कोर्ट में है पेंडिंग। और कोर्ट में जब भी मैटर आगे बढ़ेगा और अंत में इसमें हम क्लीन होके बाहर निकलेंगे, इस पर पूरा विश्वास है हमारा। कहीं ना कहीं आपकी जो भूमिका अभी है राजनीतिक, उसको ऐसे देखा जाएगा कि आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि नवाब मलिक मेडिकल बेल पर हैं, इसीलिए आप लोग महायुति के साथ हैं, वरना आप महाविकास आगे के साथ होते। जैसे मैंने कल भी मंच पे बताया कि जितना भी इश्यूज हम फेस कर रहे थे
सरकार गिर गई थी उसके बाद भी दादा ने जो भी जब भी मैं काम लेके जाती थी उनके पास, क्योंकि डैडी के गैर मौजूदगी में बहुत ऐसी सिचुएशंस आती थी कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता था उस चीज़ों का सोल्यूशंस निकालना या उसको आगे पे लेके जाना, क्योंकि लोगों की जो एक उम्मीद होती है वो मुझे टूटने नहीं देना था। तो जब भी मैं कहीं अटकती थी तो दादा ने हमेशा वो साथ दिया, और 3 साल से 2.5 साल से मतलब हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटी अगर मैंने उनके पास इशू लेके गया, जैसे दादा ने कल मंच में बताया कि सना मेरे पास आती थी, अरे दादा मेरा ये है या ये करवा दो या ऐसा है या उलझन है, किसी से कॉल करवा दो, या मतलब कोई भी ऐसे सोल्यूशंस के लिए जो मुझे किसी का चेहरा दिखता था तो वो दादा थे मेरे काम में, तो हमने उनका साथ दिया और वो हमारा साथ दिए जैसे उन्होंने हमारा साथ दिया। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोलिजन में आज महाराष्ट्र में दो बड़े कोलिजन, महायुति और महाविकास आघाड़ी। तो बीजेपी के कई नेताओं ने नवाब मलिक पर आरोप किए थे, नीतीश राणे हो, बाकी के लोग कई ट्वीट्स किए थे। तो क्या लगता है कितना आसान या मुश्किल आप लोगों के लिए होगा उनके लिए कैंपेनिंग करना या उनकी मदद मांगना? हम अनुशक मैं अनुशक्ति नगर तालुके पर सीमित हूँ, मेरा काम जो है अनुशक्ति नगर तालुके के लोगों की, जनता का, और उनके जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करना और उनकी लाइफ में कैसे बेहतरता मतलब बेहतर बनाना, उसके ऊपर मेरा एक फोकस है। उसके आगे किसी के लिए कैंपेन करना नहीं करना वो पार्टी डिसाइड करेगी, और जब जब पार्टी जो आदेश देगी अगर उसमें कोई इश्यूज है तो उनसे बैठ के डिस्कस किया जाएगा। अभी बहुत जल्दी है कोई भी चीज़ के ऊपर बयान देना। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लागू की गई है, आप एक भावी महिला आमदार हैं, एमएलए हैं, किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखते हैं? ये मॉडल मध्य प्रदेश में चला था, छत्तीसगढ़ राजस्थान में नहीं चला था। लाडली बहन योजना लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही है और इसका आने वाले समय में महायुति को एडवांटेज मिलेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? लाडली बहन योजना जो है बहुत डीपली कनेक्ट कर रही है महिलाओं को। जब तक पैसे नहीं आए थे एक शंका जताई जा रही थी, लेकिन 14 अगस्त की रात को जब पैसे आने चालू हो गए तो एक अलग उत्साह महिलाओं के अंदर उभर के आया है, और जिनका हो गया है वो आसपास की महिलाओं को बताती है, तो दूसरी महिला जिनका नहीं हुआ है वो अभी बहुत ईगरली उसमें पार्टिसिपेट और बोलते हैं ना एप्लीकेशन करने के लिए, और उनके खाते में कब पैसे आएंगे उसका इंतज़ार कर रही है। जहाँ तक कल भी जानकारी दी गई तो जुलाई के महीने में जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे अपना एंट्री की थी उन लोगों को पैसे आ गए, और अगस्त वाले लोगों का पेंडिंग है। तो जो एक एक्साइटमेंट आया है महिलाओं के अंदर, और एक जो एक ना राह देख रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं, तो वो एनजाइटी और एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है, महिलाएं उत्साहित हो रही हैं उस चीज़ को लेके। यहाँ तक जो 65+ है वो अभी उनको जो उनके अंदर जागरूकता फैल रही है कि इनको मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, तो उनको सीनियर सिटीजन का जो है वो एक उसके बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गेम चेंजर हो सकता है। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं, ये थी सना मलिक जो कि कह रही हैं कि वो महायुति में नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाली हैं, और साथ ही साथ सवाल कई राजनीतिक उठ रहे हैं, बीजेपी ने नवाब मलिक का पहले अपोज किया था, अब उनकी भूमिका क्या बदलेगी चुनाव को देखते हुए, ये बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन साइप्रस पार्टी के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।